हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको फिर से मेरा एक और नए ब्लॉग पर। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो काफ़ी अच्छा होने लगा, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ गांव से गैंगटोक। गैंगटोक सिक्किम का जो राजधानी है वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। तो रास्ता लंबा है, लेकिन ब्लॉग मैं छोटा करने जा रहा हूँ। आप लोग बने रहे ब्लॉग पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर दिया आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग होने वाला है दार्जिलिंग से लेकर गैंगटोक तक। गैंगटोक यानी कि सिक्किम की राजधानी तक। तो दार्जिलिंग यानी कि हिल क्वीन, जो पहाड़ की रानी है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज भी माना जाता है। तो वहाँ से लेकर सिक्किम की राजधानी गैंगटोक तक का सफ़र आज मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले हम लोग गए थे अपने गाँव में, जो पगोड़ा है, यानी कि जो हमारा बुद्धिस्ट में कहते हैं गुम्बा, और जिसको आप लोग कहते हैं मंदिर। तो हम लोग गुम्बा तक गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि गुम्बा में पूजा करने के बाद ही मैं गांव से निकला था। तो पहले आप सबके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ हमारा जो गांव का छोटा सा मोनेस्ट्री। ये है कॉफी का फूल। अभी हम लोग गुम्बा जो मोनेस्ट्री है उनके द्वार तक पहुंच गए। अभी अंदर जाके हम लोग पूजा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मेरा आज का सफ़र। अभी मैं घर से जस्ट निकला हूँ। यहाँ से दार्जिलिंग लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से है। तो यहाँ से दार्जिलिंग तक का भी आप सबको नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है सोनादा। अभी मैं पहुँच गया हूँ जोर बंगलो, और ये है घूम रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ से दूसरी तरफ जो मिरिक वाला रास्ता है, वो मिरिक इजनबारी का रास्ता है। और ये जो मेन अभी मैं मेन रोड से आ रहा हूँ, तो ये है दार्जिलिंग वाला रोड, ये है घूम रेलवे स्टेशन। अभी शायद सीजन लगने की वजह से होगी, दार्जिलिंग पर बहुत जाम होता है, बहुत भीड़ है। तो हम लोगों को जो घूम जोर बंगले हैं, वहाँ से दार्जिलिंग जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। हम लोग कछुए की चाल पे जा रहे हैं। कम नहीं चला,
फाइनली हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए। ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। बहुत जाम है दार्जिलिंग में। घूम जोर बंगला से दार्जिलिंग आने में 2 घंटे का क्या हमारा। धूप भी बहुत है, जाम भी बहुत है आज। देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा सिक्किम का सफर। यह है दार्जिलिंग का बहुत पुराना गोरखे जीप, यानी कि लोकल मॉडिफाई गाड़ी। इसमें से दार्जिलिंग के जितने भी बाजार, होटल, रेस्टोरेंट हैं, उनमें पानी सप्लाई होता है। ये बहुत पुराने समय से हो रहा है। पहाड़ पर दार्जिलिंग में पानी की बहुत समस्या है, तो ये गोरखे जीप जो है वो पानी का सप्लाई करता है। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है सिक्किम। तो ये है रम्फू चेक पोस्ट, यहाँ से शुरू होता है सिक्किम।
फाइनली पहुंच गए हम लोग गैंगटॉक, जहाँ तक जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा सबको थैंक यू। अगले ब्लॉग पर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।